हवाई जहाज से ट्रेवल करना हर किसी को पसंद होता है, और अगर आपने कभी हवाई यात्रा की है तो आप एयरपोर्ट पर तो गए ही होंगे, और आपने ऐसे कई एयरपोर्ट देखे होंगे जो दिखने में बेहद खूबसूरत होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ लैंडिंग करते समय पायलट के भी पसीने छूट जाते हैं, और इन एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट उड़ाने के लिए कुछ चुनिंदा पायलटों को ही रखा जाता है। नए पायलट इन जगहों पर उड़ान भरने के बारे में सोचते तक नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट, नेपाल। नेपाल में स्थित तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। बता दें कि यह एयरपोर्ट हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसे लुकला शहर में स्थित है, जिसे लुकला एयरपोर्ट भी कहा जाता है। खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट का रनवे महज 527 मीटर का ही है, जिस कारण यहां सिर्फ छोटे विमानों को ही उतरने की इजाजत है। इस रनवे के आसपास 600 मीटर की गहरी खाई है, जहां पर लापरवाही करने से हादसे भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यहां का मौसम भी कई बार बहुत ज्यादा खराब होता है, जिससे हादसे का रिस्क काफी बढ़ जाता है। जिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नौसेना के लिए एक आपातकालीन लैंडिंग बेस के रूप में बनाया गया था, और इसकी एक खास बात यह है कि इस हवाई अड्डे का रनवे विंस्टन चर्चिल एवेन्यू से होकर गुजरता है। दोस्तों, ये एयरपोर्ट दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे के बीच से होकर शहर की मुख्य सड़क गुजरती है। जब इस रनवे पर किसी प्लेन की लैंडिंग या टेक ऑफ होना होता है तो इस सड़क के दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया जाता है। दोस्तों, ये काफी खतरनाक है। यहाँ कोई भी गाड़ी अगर गलती से भी सिग्नल तोड़ दे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बताया जाता है कि यहाँ समतल जगह की कमी होने के कारण रनवे को सड़क के बीच से होकर बनाया गया है। बारा एयरपोर्ट, स्कॉटलैंड। बारा एयरपोर्ट, जो दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में गिना जाता है, यह स्कॉटलैंड के बारा द्वीप में मौजूद है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जहां कोई रनवे नहीं है। यहां बीच पर ही प्लेन लैंड करते हैं। यह एयरपोर्ट समुद्र के तट पर बना हुआ है, इसलिए जब भी समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो यह एयरपोर्ट पानी में डूब जाता है। यहाँ समुद्र में अक्सर तूफान आते रहते हैं, इस वजह से यहाँ विमान समुद्री तूफानों के हिसाब से ही लैंड कराए जाते हैं। बता दें कि यह एयरपोर्ट सोमवार से शुक्रवार तक कुछ ही घंटों के लिए खुला होता है। पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भूटान। पारो भूटान का एक लौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो 5,500 मीटर ऊंचे पर्वत की चोटियों से घिरा हुआ है। पारो हवाई अड्डे का रनवे केवल 2265 मीटर लंबा है। बता दें, यह एयरपोर्ट इतना खतरनाक है कि अभी तक यहां गिने चुने पायलटों को ही लैंडिंग के लिए अनुमति मिली है। इस एयरपोर्ट के रनवे पर केवल अच्छी विजिबल कंडीशन में ही विमान को लैंड कराया जाता है, साथ ही यहाँ रडार भी काम नहीं करता। यहाँ पायलट मैनुअल अप्रोच की मदद से ही लैंड कर पाते हैं। इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि लैंडिंग कराते समय 18,000 फीट की चट्टानों से घूमकर यहाँ आना पड़ता है। माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मालदीव। मालदीव के माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान भरना या विमान की लैंडिंग कराना पायलटों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। यह एयरपोर्ट समुद्र तट से केवल 2 मीटर की ऊंचाई पर ही बनाया गया है। खास बात यह है कि यह दुनिया का एक लौता ऐसा एयरपोर्ट है जिसे अलकतरा यानी कोल टार की मदद से बनाया गया है। यह एयरपोर्ट समुद्र के बीच में बना हुआ है। यहाँ पायलट की एक छोटी सी चूक हवाई जहाज को सीधे हिंद महासागर में गिरा सकती है। यहाँ उतरने के बाद पैसेंजर्स को स्पीड बोट्स की मदद से अपने दूसरे ठिकाने तक पहुंचाया जाता है। सबा एयरपोर्ट, नीदरलैंड। सबा एयरपोर्ट एक पर्वतीय चट्टान पर बनाया गया है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और 1 तरफ पर्वतीय चोटी मौजूद है। दोस्तों, यह बेहद खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई महज 400 मीटर ही है। यहाँ केवल छोटे विमान जिनकी स्पीड तेजी से कम हो सकती है वही उतर सकते हैं। आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि यह रनवे जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। अब दोस्तों, दुनिया के खतरनाक जगहों के बारे में बात हो रही हो और भारत का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए अगले नंबर पर आता है लेह एयरपोर्ट, भारत।
दोस्तों लेह में दुनिया का 23वां सबसे ऊंचा एयरपोर्ट बनाया गया है। ये एयरपोर्ट समुद्र तल से करीब 10,682 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ ये एयरपोर्ट एक छोटे रनवे के साथ चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। दोस्तों यह एयरपोर्ट बेहद जोखिम भरा है। एक तो यहाँ दोपहर के वक्त हवाएं बहुत तेज चलती हैं, इसलिए फ्लाइट सिर्फ सुबह ही लैंड कर सकती है। दूसरा, यहाँ भारी विमान नहीं जा सकते। और तीसरा, पायलट को यहाँ जाने से पहले स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आइस रनवे एयरपोर्ट अंटार्कटिका। दोस्तों ये दृश्य देखने में बेहद खूबसूरत लगता है, पर यह खूबसूरत होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यहाँ समुद्र का पानी भी जमकर बर्फ बन जाता है, जिस वजह से यहाँ प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ एक बड़ी चुनौती बन जाता है। हालांकि यहाँ के रनवे मध्यम और बड़ी उड़ान वाले प्लेन को संभालने में सक्षम हैं, पर समस्या ये है कि यहाँ अंटार्कटिका में पक्के रनवे नहीं होते हैं। यहाँ पर हवाई जहाज सीधे बर्फ पर उतरते हैं, जिस वजह से लैंडिंग करते समय सिर्फ बर्फ की लंबी पट्टियां दिखाई देती हैं। अगर बर्फ थोड़ी भी पिघल जाए तो बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए यहाँ ये पहले से कंफर्म कर लिया जाता है कि रनवे पर मौजूद बर्फ में कोई दरार तो नहीं है। सब कुछ ठीक होने की स्थिति में ही कोई प्लेन यहाँ उतरता है। प्रिंसेस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेंट मार्टिन। ये एयरपोर्ट एक कैरेबियन आइलैंड सेंट मार्टिन पर बनाया गया है। इसके रनवे के ठीक सामने एक काफी फेमस बीच भी है। जब इस एयरपोर्ट पर कोई प्लेन लैंड या टेक ऑफ करने वाला होता है तो इस बीच से उस प्लेन की ऊंचाई बहुत ही कम होती है, जिस वजह से लोग यहाँ इस प्लेन को इतना नजदीक से देखकर इसके साथ अपनी फोटो और वीडियोस बनाने में लग जाते हैं। और दोस्तों ऐसा नजारा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। पर भगवान न करे अगर लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान प्लेन में कोई टेक्निकल इशू होता है और प्लेन सही समय पर लैंड या टेक ऑफ नहीं हो पाता तो ये खूबसूरत नजारा खतरनाक मंजर में भी बदल सकता है। कसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान। यह हवाई अड्डा एक कृत्रिम द्वीप पर बनाया गया है। यह द्वीप 4 किलोमीटर लंबा है। यहाँ भूकंप और चक्रवात जैसे कई खतरे मंडराते रहते हैं, लेकिन केवल यही समस्याएं नहीं हैं। इस एयरपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगले 4 से 5 दशकों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है, जिसके कारण यह एयरपोर्ट समुद्र के पानी में डूब जाएगा। दोस्तों अगर जाने का मौका मिले तो आप इनमें से कौन से एयरपोर्ट पर जाना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।